अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो अभी आप लोगों ने जो थंबनेल पे पढ़ा है कि हम लोग क्या $500 को 15 से 16 हज़ार डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम, तो जी उसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो स्कैल्पिंग सिग्नल एफएक्स 0.1 के प्रीमियम ग्रुप के अंदर आता है उसको कैसे फॉलो करना है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लोग जो है वो $500 को कन्वर्ट कर सकते हैं अपना 15 से 16 हज़ार डॉलर में। 15 to 16 थाउजेंड डॉलर के अंदर आप लोग ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोगों ने ये वाला प्रोजेक्ट लेके चलना है कि हमने $500 को 15,000 डॉलर में कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसके लिए पहला रूल कि आपको एफएक्स स्टॉक 0.1 के प्रीमियम ग्रुप में होना चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल वहां पर मिलेंगे और वहीं से आप लोग इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो हमारा स्कैल्पिंग सिग्नल होगा वो कैसे फॉलो करना है, इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ग्रुप के अंदर सिग्नल आ गया कि जनाब बाय करें गोल्ड को। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ये अभी सिग्नल है नहीं, ऐसा ना हो कि आप लोग सच में बाय करना स्टार्ट कर दें। फ़र्ज़ करो मैं सिग्नल दे देता हूँ कि जी गोल्ड को बाय करें 2390 से लेकर 2387 तक, मीन के 2390 से लेकर 2387 तक मैं कहता हूं कि आप लोग बाय करें, ठीक है, और स्टॉप लॉस रख दें मैं कहता हूं कि 85 का, ठीक है जी। अब सवाल पैदा होता है कि आप लोगों ने लॉट साइज क्या रखनी है। जब आपकी रियल मनी होनी है तो हमने मिनिमम रिस्क लेना है, थोड़ा से थोड़ा कम से कम रिस्क लेना है अकाउंट का। लाइक आप लोगों का $500 का अकाउंट होगा तो हम इसके ऊपर मैक्सिमम रिस्क जो लेंगे वो लेंगे 5% का, इससे बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब आप लोगों ने उसको, उसके लिए लॉट भी मैं रिकमेंड करूंगा, आपने 0.05 से बड़ी लॉट नहीं रखनी अपनी रियल मनी के ऊपर। 0.05 की लॉट को आप सिग्नल के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, जब मैंने जोन बता दिया है कि जी 90 से लेकर 87 तक, 2390 से 2387 तक सिग्नल को फॉलो करना है, ठीक है, तो वो आप लोग कैसे करेंगे और स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करेंगे और टीपी कैसे मैनेज करेंगे। तो अब ज़रा आपने गौर से देखना है कि जब आपको कॉल आएगी कि आपने जनाब 2390 से बाय करो, तो उस वक्त मार्केट श्योरली इधर ही होगी, ठीक है, उस वक्त हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहली जो लॉट लेनी है वो लेनी है 0.01 की, उससे नीचे मार्केट आ जाए आपने दोबारा से एंट्री लेनी है 0.01 की एक, और उससे नीचे आ जाए फिर आप लोगों ने तीसरी एंट्री भी 0.01 की। तो फर्स्ट थ्री एंट्रीज जो आपने लेनी है वो 0.01 की लॉट के साथ। बड़ी से बड़ी लॉट मैंने कहा था 0.05, तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही लॉट ले लेनी है, एक ही लेयर, उस 0.05 को स्प्लिट करना है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, ठीक है जी। जो आखिरी एंट्री होगी जो स्टॉप लॉस के करीब होगी वो हमारी बड़ी एंट्री होगी जो बच जाए करेगी 0.02, ठीक है जी। अब मैं इस सिग्नल के देखता हूं कि मैं पहले इसको ना स्टॉप लॉस हिट करवाता हूं कि स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमारा $500 का अकाउंट कितने परसेंट रिस्क पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहली एंट्री की बात करता हूं जो हमने एंट्री ली है जनाब, एंट्री ली हमने 2390 के ऊपर। अगर यहां से 0.01 की एंट्री ली जाए और वो स्टॉप लॉस हिट हो तो पहली एंट्री जो रिस्क पर जा रही है वो $5 रिस्क पर जा रही है। तो पहली एंट्री कितना रिस्क पर गई जी, $5। अब हम लेते हैं कि दूसरी एंट्री कितने रिस्क पर जाएगी जी, ठीक है, ये दूसरी एंट्री है जो कि 89 के ऊपर है, तो ये दूसरी एंट्री कितने रिस्क पर जाएगी, ये जी $4 रिस्क पर जाएगी, मीन टोटल रिस्क हमारा अभी तक दो एंट्रीज का हो गया $9 का, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं तीसरी एंट्री के ऊपर, जो तीसरी एंट्री का हम लोग रिस्क लेंगे वो तीसरी एंट्री का रिस्क बनेगा हमारा ऑलमोस्ट $3 का, तो $12 का रिस्क हो गया, ठीक है जी। जो चौथी और आखिरी एंट्री हमारी होगी जो 0.02 की होगी, उसको जब हम लोग एंट्री लेंगे और उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये $4 का होगा, क्योंकि बड़ी एंट्री है, 20 पिप्स हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपका जो लॉस होगा वो होगा $4 का। तो मीन टोटल हमारा रिस्क इस सिग्नल के ऊपर कितना आया जनाब, हमारा रिस्क टोटल बन गया है ऑलमोस्ट $16 का, ठीक है जी। अब इसको कन्वर्ट कर लें कितने परसेंट बनता है, ये तो 5% भी नहीं बनता $500 का, ठीक है, तो ये तो बनता है अराउंड 3% शायद बनता है, ठीक है। अब रिवॉर्ड इसका चेक कीजिएगा, रिवॉर्ड भी ये नहीं है कि कोई हम रिवॉर्ड बड़ी लंबी होल्डिंग करेंगे, इसका टीपी जब हमने इधर से आखिरी एंट्री से 20 पिप SL बताया तो पहली एंट्री से 20 पिप TP बताएंगे, ठीक है जी। तो अगर TP की तरफ हम जाते हैं तो पहली एंट्री का जो TP बनेगा, अगर 0.02 वाली एंट्री है 50 पिप्स का TP है 92 का, तो ये $10 का TP है, ठीक है जनाब। अब हम दूसरे की $10 हो गया, अब हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं, ये इसका कितना बनेगा जनाब, ये बनेगा अराउंड, ये बनेगा $4, तो टोटल $14 के हो गए। जो तीसरी एंट्री हमारी है
उसका कितना बनेगा जनाब, ये जो तीसरी एंट्री ली है इसका कितना बनेगा, हम मैं सॉरी ये इसको दोबारा स्मार करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से जो हमने एंट्री ली है, ये तीसरी एंट्री जो है ये वाली, इसका कितना बनेगा जनाब, ये $3 का बनेगा, तो ओवरऑल कितने हो गए, $17 हो गए, ठीक है जनाब। अब हम आ जाते हैं आखिरी एंट्री जो हमने 90 के ऊपर ली होगी, उसका टीपी कितना बनेगा, $2 का, तो $19 का, तो अराउंड 1:1 या 1:1.5, तो ये इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन रहा है, ठीक है जी। $16 का रिस्क लिया, $19 का टीपी रखा, तो टीपी भी जल्दी हिट होगा, स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट होगा, दोनों करीब करीब होंगे, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप लोग देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा है। ये जो स्कैल्पिंग वाले सिग्नल होंगे, ये 10 सिग्नल, अगर ये 10 सिग्नल ना 2 दिनों के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, 2 SLT होंगे या 3 SLT होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हमारे 7 से 8 TP इंशाल्लाह जरूर हिट होंगे। तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को पता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, और ये फॉर लाइफ टाइम है, नॉट फॉर लिमिटेड टाइम। सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सनेस का लिंक दिया गया है, आप वहां से अगर आपका एक्सनेस का अकाउंट नहीं है तो हमारे लिंक के थ्रू एक्सनेस का अकाउंट बनाएं, उसको एक्टिव करें, उसमें डिपॉजिट करें और उसके ऊपर ट्रेड करें, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा होंगे। अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस का अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपल IB चेंज करें, IB चेंज करके हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाए अकाउंट एक्टिव करके। हमारा व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको फॉलो करें, वहाँ पर अपडेट्स आती हैं, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर, स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा सिग्नल फॉलो करने का तरीका, ठीक है जी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसमें कोई परेशानी हो तो वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है कि इस तरीके से हम लोग $16 का लेंगे। अच्छा, ये कब तक होगा, ये रियल मनी के ऊपर होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि जनाब ये जो आपने प्लान बताया है, चलो सिग्नल फॉलो करना तो हमें आ गया, अब ये बताएं कि हम लोग यहाँ से, ये एक कन्फ्यूजन बनती है कि ये बताएं कि हमने जो वो जो $500 को किस तरतीब के अंदर, आपने क्या तरतीब दी है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं $15,000 to $16,000 के अंदर। तो लेट्स गो, मैं आपको वो प्लान शेयर करता हूँ। तो ये है जी हमारा प्लान FX Talk 0.1 का, टॉपिक हमारा क्या है, मनी मैनेजमेंट और लॉट मैनेजमेंट। आपकी इक्विटी होगी जनाब कितनी, $500, ठीक है जी। लॉट साइज जो आपने रखना है, ये मिनिमम मैंने उन लोगों के लिए बताया 0.03, जो छोटे दिल के हैं, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया, अब उनकी टांकें कांपती हैं, तो उन लोगों ने ये वाले रिस्क लेने हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसके अंदर 0.05 की लॉट, जैसे मैंने आपको सिग्नल फॉलो करने के मेथड में बता दिया कि हम 0.05 की लॉट से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 8 वीक्स के अंदर $500 बनाना, जो ये फर्स्ट टारगेट है, $500 विद इन 8 वीक्स। इक्विटी कितनी है, 500। 8 वीक्स के अंदर, मतलब दो महीने का टारगेट रखा है भाई, रियल मनी है ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम $15-16 का रिस्क लिया करेंगे, $15-20-30 निकाला करेंगे और एग्जिट लेते जाया करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, टीपी भी हिट होंगे, इंशाल्लाह टीपी इसके अंदर ज़्यादा हिट होंगे, SL कम हिट होंगे, ठीक है जी। हमारा एक रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा होगा। अब आप लोगों को बता दूं कि आपका पहला टारगेट अचीव हो गया, आपने 2 महीने के अंदर करना है, इस वजह से लंबा टारगेट रखा है ताकि हम लोग इजीली कर सके, स्टॉप लॉस बीच में ही छोड़ जाएं। बाद का ऐसा होता है कि एक बुरा हफ्ता लग जाता है, नहीं हम उस तरह का ग्रो कर पाते, तो ये हम मैनेज कर सकें, इसलिए लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है कि 8 वीक्स मीन 2 महीने। हमारा पहला टारगेट हुआ $500 से, $500 हमने बना लिए 8 हफ्तों के अंदर। दूसरा टारगेट जो होगा ना, वो क्या टारगेट होगा, ज़रा ये गौर से देखिएगा। दूसरा टारगेट तो ये नहीं है, बल्कि आपके लिए ये दूसरा टारगेट मैंने वैसे सेट कर दिया, ये है आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन कि सबसे पहले तो आपने विदड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो $500 आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, उसको बाहर निकाल दें। आपका $500 तो प्रॉफिट है, $500 आपका इक्विटी थी, $500 अपने इन्वेस्टमेंट निकाल दी। अब जो $500 प्रॉफिट बचा खड़ा है, उसमें से भी आपने 50% निकाल लेना है एज अ बैकअप, ठीक है जी। अब 50% आपने बैकअप रख लिया, तो अब आपके पास जो $500 था, $250, $250 तो आपने निकाल लिया, एज अ बैकअप रख लिया, तो अब आपकी इक्विटी कितनी होगी, $250। नेक्स्ट आपका टारगेट होगा कि अब भी आपने $250 के साथ $250 थर्ड टारगेट जो है वो $250 विद इन 4 वीक, मीन 1 महीने के अंदर हमने बनाना है। लॉट साइज हमारा 0.04 होगा मिनिमम, गलती से मैक्सिमम लिख दिया गया, मिनिमम होगा, और हम लॉट मैनेजमेंट अपने प्रीमियम ग्रुप में उसके अंदर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है जी। अब ये 1 महीना क्यों रखा है, और पहले हमने 500 के साथ 500 डबल अकाउंट 2 महीने में किया, अब 1 महीने में कैसे हो जाएगा। 2 महीने में वो इसलिए हुआ था कि वो आपकी रियल मनी थी, हम रिस्क नहीं ले रहे थे। यहाँ पर जो आपका $250 इस वक्त इक्विटी है, ये तो मार्केट से बनाया हुआ है, और फिर उसके मजे की बात ये है कि $250 तो हमने निकाल लिया हुआ है, बैकअप भी हमारे पास पड़ा, खुदा ना खास्ता ये अकाउंट वॉश भी हो जाता है, हमारे कंजेक्टिव बहुत बुरे हालात आ जाते हैं, कंजेक्टिव SLT होते हैं जनाब, 10-12-15 SLT हो गए, कंजेक्टिव TP की तरफ गया ही नहीं है, ठीक है, इतने बुरे हालात आ गए। तो वो कहते हैं ना, होप फॉर द फेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हमने प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट भी तो
केस लड़ना है ना, ठीक है, तो इस वजह से हमने बैकअप पहले रखा है $250 का, ये है $250, आपने एक महीने के अंदर डबल करने हैं। थर्ड टारगेट जो है $250 से $250, एक महीने में हम इस वक्त रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, और थर्ड टारगेट आपका अचीव होते ही आपकी इक्विटी हो जाएगी $500। अब फोर्थ टारगेट होगा $500 विद इन 2 वीक्स, यहाँ पर आपने किसी किस्म का विड्रॉ नहीं लिया, किसी किस्म का बैकअप नहीं रखा, वही $250 बैकअप पड़ा हुआ है पहले वाला, ठीक है। अब आपके पास 500 इक्विटी है तो 500 को 500 के अंदर कन्वर्ट करोगे। क्यों ये कन्वर्ट हो सकता है 2 हफ्तों के अंदर? बिकॉज ऑफ ये मार्केट की मनी है, ठीक है जी। मार्केट की मनी होने की वजह से हम रिस्क ले सकेंगे, क्योंकि हमारे पास $250 पीछे बैकअप पड़ा हुआ भी है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रियल मनी होती ना लेते। अच्छा, जो हमारा जब हमारा फोर्थ टारगेट कंप्लीट होगा विद इन 2 वीक्स हम $500 अर्न कर लेंगे, हमारी इक्विटी भी 500 थी तो हमारे पास इक्विटी अब बन गई है फोर्थ टारगेट के बाद $1,000। नाउ विदड्रॉ $250 फॉर बैकअप, नाउ इक्विटी इज $750। ये टेक्निकल बात है, आपकी फोर्थ टारगेट के बाद आपकी इक्विटी होगी $1,000, आपने उसमें से $250 बैकअप के लिए रख लेना है। अच्छा, पहले भी आपके पास $250 बैकअप के लिए रखा था, अब फिर दोबारा फोर्थ टारगेट के बाद आपने $250 बैकअप के लिए रख लिया, तो अब आपके $500 बैकअप पे पड़े हैं और आपने इक्विटी रख ली हुई है, आपकी इक्विटी हो गई है $750। अब आपके पास यहाँ से असल में गेम शुरू होनी है, ये होगा वो टर्निंग पॉइंट जहाँ से आप लोग ना मेंटली तौर के ऊपर प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा, 2-3 महीने आपने रगड़ा भी खा लिया होगा, बैकअप भी तैयार हो गया है, मार्केट की मनी $750 भी आ गई है, फिफ्थ टारगेट से असल में हमारा काम शुरू होगा। एक हफ्ते के अंदर हमने $750 को $750 में कन्वर्ट करना है। क्या पॉसिबल है? 110% पॉसिबल है। एक हफ्ते के अंदर $750 अगर आपको डेमो में, अब आज दे देता हूँ डेमो में किसी को कि $750, इसको $750 एक हफ्ते में बनाओ, वल्ला मैं मुझे कंफर्म है आप सार होने दिन, आप 2 दिन के अंदर बना के दे देने हैं सर, ये लें, डेमो है ना, उड़ जाएं तो टेंशन नहीं है, ठीक है जी। क्यों उड़ जाएंगे? तो दोबारा डेमो में डाल देंगे, तो इस यहाँ पर भी हमने $500 बैकअप पे रख दिया हुआ है। $750 से हमने एक हफ्ते के अंदर $750 बनाने हैं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। फॉलो सिर्फ FX Talk 0.1 के सिग्नल्स को करना है, इसके अलावा कहीं पंगे नहीं लेने। मैं बार बार कॉल्स पर भी समझाता हूँ कि मुर्शिद अपना एक रखें, ठीक है जनाब। फिफ्थ टारगेट जब आपका अचीव होगा तो आपके पास जो इक्विटी होगी वो $1,500 होगी। इस वक्त आपने $500 बैकअप के लिए मजीद रख लेना है $1,500 में से। टारगेट फिफ्थ कंप्लीट हुआ, $500 मजीद बैकअप पर चला गया, आपके पास इक्विटी कितनी हो गई जी? $1,000। अब आपके पास बैकअप भी $1,000 है, इक्विटी भी आपके पास $1,000 है। यहाँ पर अब सिक्स्थ टारगेट से आप लोग समझें कि इंशाल्लाह आप लोग चल पड़े ट्रैक के ऊपर। $1,000 के साथ सिक्स्थ टारगेट जो होगा वो $1,000 के साथ $1,000 बनाएंगे, विद इन 1 वीक बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों का ये जो सिक्स्थ टारगेट में से विदड्रॉ $500 लेंगे ना, ये जो ऊपर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी अपने ऊपर एक्सपेंस नहीं किया, 2-3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, और आप लोग सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बाकी कुछ निकाल नहीं रहे हो, ठीक है, टाइम दे रहे हो, ये आपका रिवॉर्ड आना शुरू हो गया है, जो टाइम आपने इतना अर्सा सबर किया है, ठीक है जनाब। ये सारी काम तो पेशेंस की है ना, तो पेशेंस के साथ हम चले हैं तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं ना। तो अगर पेशेंस के साथ ना चले तो पहले ही $500 हमने उड़ा देना था, तो हम पहले $500 को 2 महीने लेके चले हैं, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करके लेके आए हैं, ठीक है जी। सिक्स टारगेट के ऊपर आपने $500 अपने एक्सपेंसिस अखराजात निकाल रहे हैं, $1,000 के साथ $1,000 आपका $2,000 है, ठीक है जी, क्योंकि फिफ्थ जो टारगेट था उधर से $1,000 आपने सिक्स टारगेट में $1,000 के साथ $1,000 बनाया, ठीक है जी। अभी आपके पास आ गया हुआ है जनाब $2,000, $500 आपने एक्सपेंस निकाला, 7th टारगेट पे आए, $1,500 आपके पास था, उसके साथ 1 वीक के अंदर आपने $1,500 7th टारगेट में बनाने हैं, ठीक है। अब $3,000 बनेगा, उसमें से विड्रॉ लेंगे $750, नाउ इक्विटी इज $2,250। अब $2,250 जो होगा इसको 8th टारगेट में $2,250 करना है विद इन 1 वीक, विड्रॉ लेना है $750 का, नाउ इक्विटी इज 38 कैसे बनी? 2250 आपके 7th टारगेट में थी इक्विटी, उसके साथ 8th टारगेट में आपने 2250 बनाए, टोटल बनी $4,500 आपकी इक्विटी, उसमें से आपने विड्रॉ ले लिया $750 अपने एक्सपेंसेस मीट करने के, नाउ इक्विटी इज $3,800। 9th टारगेट के अंदर आपने $3,800 को कन्वर्ट करना है $3,800 के अंदर विद इन 1 वीक, और विड्रॉ ले लेना है आप लोगों ने $1,600 का। अब ये जो $1,600 विड्रॉ लेंगे ये आपके एक्सपेंस हो गए, और 38 और 38 जो वो जो बनते हैं 78 उसमें से सॉरी 76 बनते हैं, उसमें से आपने $1,600 एक्सपेंस निकालिए, $6,000 है, $6,000 को आप लोग 10th टारगेट के अंदर $12,000 में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप विड्रॉ ले लेंगे $2,000 का, और इक्विटी आपकी $10,000, तो टोटल टाइम आपके 20 वीक्स इसमें इंशाल्लाह लगेंगे, 5 महीने का टारगेट है $16,600 में कन्वर्ट। डोंट टेक रिस्क on your actual investment, ये कौन सी बात है? Don't risk, आखिरी पॉइंट पढ़ें जरा, Don't risk
ऑन योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। भाई जान ये सबसे पहला बात, ये सबसे पहली बात, इक्विटी $500 है और उसको हमने 2 महीनों में $500 के साथ $500 बनाया है। अब सवाल आ जाता है, सर आज तक हमने देखा तो नहीं है, ये सुना तो नहीं है, ये कौन कर लेता है 6000 के साथ 6000 या $3800 के साथ $3800 के साथ। भाई जान आप लोग ही करते हो, आप लोग खुद ही करते हो। डेमो अकाउंट के ऊपर तो आप लोग एक हफ्ते के अंदर 3800 को 38000 बना के बैठे होते हो, वजह क्या होती है? टेंशन नहीं होती ना यार तुम भाईजान, ये जो बड़े बड़े रिस्क हमने लेने हैं ना, ये अपनी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर नहीं लेने, ये हमने रिस्क लेने हैं जो मार्केट से पैसे कमाए होंगे उनके ऊपर रिस्क लेने हैं। और याद रखिएगा, इधर लॉट साइज में अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को बताऊंगा तो ये याद रखिएगा कि हमने इतनी बड़ी लॉट साइज नहीं ले लेनी कि एक ही सिग्नल के अंदर हम फारिग हो जाएं, ठीक है ना, एक ही सिग्नल में हम अकाउंट वॉश करवा के बैठ जाएं। तो हमने जो रिस्क मैनेजमेंट और रिवार्ड मैनेजमेंट करनी है ना, ये जो हमारा इक्विटी हुआ करेगी ये कम से कम 10 सिग्नल के बराबर हुआ करेगी, 10 सिग्नल के नहीं तो कम से कम 8 सिग्नल्स पर तो ये हमारी इक्विटी कंजेक्टिव 8 से 10 SL हिट हुए ना, तब हम अकाउंट वॉश होगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आपने भाई की परफॉर्मेंस देखी हुई है, इतना बुरे हालात नहीं है कि हम ऐसा करें, ठीक है। 1 SL हिट होता है, 2 SL हिट होता है, 3 SL हिट होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा SL हिट नहीं करवाते अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्कैल्पिंग में तो भाई जान क्या 50 pips 60 pips तो मजाक मजाक में निकल आते होते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब कोई बंदा ना आपका मजाक उड़ाएगा, यार ये कौन बंदा है जो कहता है कि मैंने 1000 के साथ 1 वीक में 1000 बना लेना है या 6000 के साथ 1 हफ्ते में 6000 बना लेना है, उन्हें कहना है भाई जान सानू दो असी तुम्हें बना देना। ये जो अकाउंट मैनेजमेंट वाले बैठे हुए हैं क्या कहते हैं, $200 दो और डेली का $300 प्रॉफिट लो, वो कैसे करते हैं? आपके पैसे होते हैं ना, उनको टेंशन नहीं होती, या तो 00 अकाउंट हो जाता है या आपका $300 निकल आता होता है, तो वो इसी तरह ही करते हैं। तो हमने तो इधर अपनी जो हमारी अपनी रियल मनी थी स्टार्ट में इक्विटी 500, हम 8 हफ्तों में लेके गए हैं उसको 2 महीने में, और 500 के साथ 500 बनाना हमारे लिए गले की हड्डी बना रहा, स्लो स्लो 0.05 से बड़ी तो लॉट हम नहीं ले रहे। और यहां पर हमारी लॉट्स पता है क्या होनी है, 2 स्टैंडर्ड लॉट 1 स्टैंडर्ड लॉट 1.5 स्टैंडर्ड लॉट, इस तरह की गेम लेयर्स लगाएंगे। आप लोग देख के हैरान होंगे कि भाई क्या हो गया, सिग्नल इंशाल्लाह फॉलो होंगे प्रॉपरली, इंशाल्लाह फॉलो होंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूँ, ठीक है, कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, अच्छा टाइम है, एक दिन ऐसा आना है कि मैंने कहना है कि आप सिर्फ वही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो $2000 की इक्विटी के साथ आएगा, IB चेंज करें, $2000 इक्विटी में डाले, तब हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें। ये जो अभी तक इक्विटी की लिमिट नहीं है ना, कोई आ जाता है सर $200 है, मैं कहता हूँ आजा भाई, कोई कहता है यार $150 है भाई आजा, ठीक है। तो ये वाला सीन ना लिमिटेड टाइम के लिए चलने वाला है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपने अपने भाई से पूछ लेना है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह आंसर करूंगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये पॉसिबल है या नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट्स भाई आप लोग बहुत कम करते हैं, मेहरबानी करें लाइक कमेंट्स करें, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मंजूर हुआ तो आपको ये भाई टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।